मैं आपको बताऊं कैसे आपने रेडमी नोट 4 में नया अपडेट को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आपको गजब के फीचर दिए गए हैं, जैसे कि फ्रंट रियर पोर्ट्रेट मोड, यानी कि पहले फ्रंट में ही पोर्ट्रेट मोड था अपडेट में, बट इसमें रियर का भी पोर्ट्रेट मोड आ गया है। ये अपडेट जो है लॉन्च कर दिया गया है स्टेबल, बट ये अभी सभी के में नहीं आया है, क्योंकि ये अभी ट्रायल पे है। अभी इसको चेक किया जा रहा है कि इसमें कोई बग्स तो नहीं है। बग्स को फिक्स करके दो हफ्ते के बाद सबके में मिलना शुरू हो जाएगा, 8-10 दिनों के बाद या 2 हफ्ते बाद आपको मिलना शुरू हो जाएगा सबके मोबाइल में। बट उससे पहले अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं जो बताऊँगा रास्ता, उससे आप डाउनलोड कर लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मेरी शर्त है, बिना रूट किए आप डाउनलोड कर सकते हैं, बिना बूट लोडर अनलॉक किए भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये बीटा वर्जन नहीं स्टेबल वर्जन ही है। बस अभी ये लॉन्च हो गया है, बट किस अभी अपडेट कंपनी ने देना शुरू नहीं किया है सबके में। तो अबाउट फोन में जाइएगा, तो यहाँ पे सिस्टम अपडेट में आपको दिखाता हूँ मैं। उसके बाद 10.2.3.0 स्टेबल अपडेट है ये। तो अब इससे पहले आपको क्या करना होगा, आपको मेरे इसी वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दूंगा मैं, तो उस लिंक पे जाके आपको डाउनलोड करना होगा नया अपडेट। जैसे कि मैं अभी दिखा देता हूँ, मैंने ये लिंक कॉपी कर रखा है। तो इस लिंक पे जैसे ही आप खोलेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो क्लिक हेयर टू कंटिन्यू लिखा होगा, तो यहाँ पे आप क्लिक हेयर टू कंटिन्यू कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे एक आपको वेरीफाई करना होगा कि आप रोबोट हैं कि नहीं, तो सिलेक्ट आर स्क्वायर विद द ट्रैफिक लाइट। तो इसमें आपको जो भी ट्रैफिक लाइट दिख रही है उससे आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो इसमें भी ट्रैफिक लाइट है, इसमें भी ट्रैफिक लाइट है, तो दो मुझे दिखे और दो मैंने सिलेक्ट, एक इसमें भी शायद है, ट्रैफिक लाइट नहीं है वो स्ट्रीट लाइट है, ये ट्रैफिक लाइट, तो यही दोनों हैं। तो मैंने दोनों सेलेक्ट किया और वेरीफाई किया, तो ये वेरीफाई हो गया। अब आपको नीचे आना है, आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। जैसे आप नीचे आएंगे आपको गेट लिंक का ऑप्शन दिया हुआ है, आप गेट लिंक पे जाएंगे जैसे ही, तो यहाँ पे 393 MB का है या 400 MB का है। आप जैसे ही आप गेट लिंक करेंगे तो ये डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा आप में, तो आपको बस यहाँ से ओके कर देना है। ये देखिए ओके कर देना है, जैसे आप ओके करेंगे डाउनलोड होने लगेगा, आप इसको डाउनलोड होने दीजिए। जब ये डाउनलोड हो जाए तब आपको पीछे आना है और अपने सेटिंग में जाना है, अबाउट फ़ोन में जाना है, सिस्टम अपडेट में जाना है। फिर उसके बाद मेरा तो अपडेट हो चुका है, लेकिन आपको ऊपर फिर 3 डॉट्स में जाना है। जैसे आप 3 डॉट्स में जाएंगे तो डाउनलोड लेटेस्ट पैकेज जो भी यहाँ पे आपके में लिखा हो तो ये आप ओपन करिएगा। यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर रखा है तो इसलिए अभी ये ट्राई अगेन बता रहा है, कैन नॉट डाउनलोड। तो आपके में आएगा ये मेमोरी का ऑप्शन खुल जाएगा कि आपका इंटरनल स्टोरेज में जहां आपने डाउनलोड किया है, उसके बाद आप जाएंगे उसमें। अभी मैं दिखाता हूं आपको कैसा आएगा, तो आपको फाइल मैनेजर में जाना है। फाइल मैनेजर में जाने के बाद आपको इधर आ जाएगा, ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। इंटरनल स्टोरेज आप खोलेंगे आप तो इसमें आपने जहाँ डाउनलोड कर रखा है आप वहाँ से, जैसे कि अभी मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ इसलिए तो मैं ऐसे ही आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप इसमें जहाँ भी आपने डाउनलोड कर रखा है, जिस भी फोल्डर में, आप देखिएगा किसी ना किसी फोल्डर में होगा। और आप एंड्रॉयड में चेक कर सकते हैं, MIUI में, DCIM में और डाउनलोड में होगा ये, आप डाउनलोड में चेक कर सकते हैं। या MIUI में तो नहीं होगा, डाउनलोड में होगा। डाउनलोड में जैसे ही आप खोलेंगे तो यहाँ पर आपको वही दिख जाएगा जो आपने डाउनलोड किया है। उसके बाद आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे कि मैं ये वाली फ़ोटो सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड, तो यहाँ पे आप ओके कर लीजिएगा। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपका ये डाउनलोड होने लगेगा। यहाँ पे आपको एक दो बार और ओके करना होगा, उसके बाद इनक्रिप्टेड होगा, फिर अपने आप डाउनलोड हो जाएगा। और उसके बाद 15 मिनट बाद ये खुल जाएगा, 15 मिनट खुल जा 15 मिनट के बाद ये अपडेट हो जाएगा, आपका मोबाइल खुल जाएगा और आपके में सारे फीचर्स आ जाएंगे। फ्रंट पोर्ट्रेट मोड और रियर पोर्ट्रेट मोड दोनों आ जाएंगे। आपको कुछ इंटरेस्टिंग फीचर भी मिलते हैं जो आपको मैं बाद में बताऊंगा, जो हिडन फीचर्स हैं। बट सबसे मेन हाईलाइट है इसका पोर्ट्रेट मोड, इससे बैटरी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हो गई है इस अपडेट से, और पोर्ट्रेट मोड इनेबल हो गया है। आपको मैं कुछ फ़ोटोज़ दिखाऊँगा अभी, तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, आपके मोबाइल को कोई भी नुकसान नहीं होगा। कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई दूँगा।
और भी मज़ेदार वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, फिर मिलते हैं।